Hello students, today I would like to explain active and passive. This is a new chapter for 9th and 10th classes, active and passive. अभी तक आपको बहुत लोगों ने एक्टिव पैसिव बताया होगा, निश्चित तौर आपने पढ़ा होगा, अच्छी अच्छी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलत सीखते चले आए हैं। मैं मात्र दो वाक्य से एक्टिव पैसिव परिभाषा क्लियर करूंगा, प्रयास करता हूं आपके समझ में आए। पहली परिभाषा है भाई व्हाट इज एक्टिव वॉइस, ये क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस इज ए सेंटेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज समथिंग कहने का भाव यह है, एक्टिव वॉइस वह सब सेंटेंस है जिस पे कर्ता कुछ करता है, जिस पर कर्ता कुछ करता है, जैसे राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि कर्ता राम पत्र लिखने का काम करता है। दिस इज एक्टिव वॉइस, और व्हाट इज पैसिव वॉइस, एक मन में बात आती है पैसिव वॉइस इज ए सेंटेंस इन विच समथिंग इज डन ऑन द सब्जेक्ट, अर्थात जब कर्ता पर कार्य किया जाए, जब कर्ता कार्य करे तो एक्टिव वॉइस, और जब कर्ता पर कार्य हो तो पैसिव वॉइस। जैसे इसी सेंटेंस को लूंगा मैं, ए लेटर इज रिटन बाई राम, आपका ये कर्ता ये है, ए लेटर इज रिटन बाई राम, जब कर्ता पर कार्य हो तो पैसिव वॉइस, जब कर्ता कार्य करे तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक्टिव और पैसिव की गिनती के जो तीन नियम लगते हैं, तीन या चार, उनको बताने का प्रयास करता हूं। पहला नियम यह है कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य की जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस पे दोनों ही वर्ब आते हूँ, बात का विषय बताऊंगा मैं। हम ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, यह आपका ऑब्जेक्ट है, कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट बनता है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये अपने पहले प्रीपोजिशन बाई लेता है और ऑब्जेक्ट बनता है, और ये आपकी जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म पे जाती है। तो ये निकल के आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन नियम आए। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बनता है,
दूसरा जो एक्टिव वाइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वाइस का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन बाई लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक समस्या आई, ये सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी सेंटेंस की तो रचना होती नहीं है, तो वही यहां पर पैसिव वाइस सभी लोग जानते होंगे पैसिव वाइस की हार्ट ऑफ पैसिव वाइस, हार्ट ऑफ पैसिव वाइस है बी, बी वर्ब बी, और वर्ब बी बराबर होता है इज एम आर वाज वेयर बींग बीन। एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये सात क्रिया दुनिया के हर पैसिव वाइस में है, एक आप भी स्वयं प्लस कर सकते हो। ये क्रिया हार्ट ऑफ पैसिव वाइस मानी जाती है। अब मैं आगे आपको जो बताने जा रहा था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग करेंगे, तो अगर किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो, या डू है या डज है, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड लगा है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होगी। बहुत सरल है, देखिए आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में बिल सेल है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब बिल बी या सेल बी होगी। यदि किसी वाक्य में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होगी। और यदि किसी वाक्य में वाज प्लस वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वाज वेयर प्लस बींग होगी। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में हैज हैव है तो हैज बीन या हैव बीन, किसी वाक्य में हैड है तो हैड बीन, किसी वाक्य में बिल हैव या सेल हैव है तो बिल हैव बीन या सेल हैव बीन। ऐसे हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा, देख रहे होंगे। दुनिया के किसी भी पैसिव वाइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। जैसे आई राइट ए लेटर, तो ये चूंकि वाक प्रेजेंट में है, ए लेटर इधर आएगा, ले लेटर सिंगुलर है तो इज लगेगा, थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया बाई मी। इसी प्रकार यदि ये वाक पास्ट में होता, आई रोट ए लेटर, तो ये लेटर इधर आता। ए लेटर चूंकि वाक पास्ट में था इसलिए पास्ट लेटर सेकंड फॉर्म थी, वाज लगेगा, लेटर एक वचन है, वाज रिटन बाई मी। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। समझ रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट कल के वीडियो पर।